हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुंजन शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आगे होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीपी का हो या फिर यूपी बीडीओ का हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्वेश्चंस जो हैं वो 75 से शुरू होंगे। इससे पहले मैं करा चुकी हूँ 74 तक के क्वेश्चंस। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 से। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत दक्षिण कोरिया प्रौद्योगिकी विनिमय केंद्र का उद्घाटन 10 जुलाई 2018 को कहाँ पर हुआ? तो इसके ऑप्शंस हैं मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर चेन्नई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DIPP ने 10 जुलाई 2018 को कारोबार में सुगमता के मामलों में राज्यों की अंतिम रैंकिंग जारी की। इस मामले में इस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 77। लोनली प्लेनेट द्वारा 10 जुलाई 2018 को जारी की गई वेस्ट इन एशिया के अनुसार भारत के किस स्थल को एशिया का चौथा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक स्थल घोषित किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिमी घाट। इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 78। विश्व बैंक द्वारा 11 जुलाई 2018 को वर्ष 2017 के लिए जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत कितने डॉलर की जीडीपी के साथ विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो ये था, इसका आंसर है 2.59 ट्रिलियन। 2.59 ट्रिलियन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। भारत औपचारिक रूप से 11 जुलाई 2018 को EBRD यूरोपियन पुनर्निर्माण और विकास बैंक का कौन सा शेयर धारक बना? तो ये बना है फ्रेंड्स 69वां, 69वां। और ये EBRD जो है इसका हेडक्वार्टर है यूके के लंदन में। कहाँ? यूके के लंदन में। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। 11 जुलाई 2018 को संपूर्ण विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। वर्ष 2018 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय था, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परिवार नियोजन एक अधिकार है। फैमिली प्लानिंग इज अ राइट। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा 12 जुलाई 2018 को जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2018 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? तो इसका सही आंसर है 5%। खुदरा महंगाई दर बढ़कर जून 2018 में 5% हो गई। क्वेश्चन नंबर 82। भारत के उपराष्ट्रपति ए वेंकैया नायडू ने 12 जुलाई 2018 को किसे विश्व मामलों की भारतीय परिषद ICWA का महानिदेशक नियुक्त किया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, TCA राघवन। TCA राघवन को ICWA का महानिदेशक नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 83, 8 से 12 जुलाई 2018 तक छठे विश्व शहर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर में छठे विश्व शहर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और सिंगापुर की जो कैपिटल है वो है सिंगापुर सिटी और इसकी करेंसी है डॉलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। किस भारतीय धावक ने 12 जुलाई 2018 को IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 में 400 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? तो फ्रेंड्स ये तो बहुत चर्चित रही थी, हिमा दास। हिमा दास जो है इन्होंने 400 मीटर की स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है और ये असम स्टेट से हैं और असम स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बना दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। 13 जुलाई 2018 को खानों और खनिजों पर चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, रांची, इंदौर या फिर जयपुर। तो इसका सही आंसर है इंदौर। इंदौर किसकी कैपिटल है, किसमें है, किस स्टेट में आता है इंदौर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने 13 जुलाई 2018 को 3 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के साथ समझौता किया। एयरबस किस देश की कंपनी है? तो एयरबस जो है ये है फ्रांस की कंपनी। ठीक है, फ्रांस की कंपनी है एयरबस। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 87। किस भारतीय क्रिकेटर ने 13 जुलाई 2018 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो ये क्रिकेटर हैं मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ ने संन्यास ले लिया है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से। क्वेश्चन नंबर 88, सॉरी क्वेश्चन नंबर 88। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 14 जुलाई 2018 को पाशर गैड बैंक को मुंबई में शाखा खोलने की स्वीकृति दी। यह बैंक किस देश का है? तो यह पाशर गैड जो बैंक है यह है ईरान का। ठीक है फ्रेंड्स, इस बैंक को मुंबई में शाखा खोलने की अनुमति दी है केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने और ये बैंक है ईरान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 15 जुलाई 2018 को हरियाणा के किस जिले में इंद्रधनुष कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? तो ये की गई है नूह में। इंद्रधनुष कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत हरियाणा के नूह में की गई है। क्वेश्चन नंबर 90। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 15 जुलाई। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 91 इज, फ्रांस की फुटबॉल टीम ने 15 जुलाई 2018 को किस देश की टीम को हराकर 20 वर्षों बाद फीफा वर्ल्ड कप 2018 का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स इस साल जो फीफा हुआ है उसका खिताब जीता है फ्रांस ने। और किसे हराया है? तो हराया है क्रोएशिया को। और फ्रेंड्स जो तीसरे नंबर पे रहा है
वो रहा है स्पेन, जिसे फेयर प्ले का अवार्ड भी मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 इज, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 16 जुलाई 2018 को ऐतिहासिक शिखर वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये शिखर वार्ता जो कि हुई थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच, ये हुई थी फिनलैंड के हेलसिंकी में। ठीक है, फिनलैंड के हेलसिंकी में ये ऐतिहासिक शिखर वार्ता हुई थी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 93। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 जुलाई 2018 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित बाणसागर नहर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की? तो इसका सही आंसर है मिर्जापुर, यूपी का मिर्जापुर इसका सही आंसर है। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है फोर्ब्स द्वारा, सॉरी 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 अगेन, फोर्ब्स द्वारा 16 जुलाई 2018 को वर्ष 2018 में सबसे अधिक कमाई करने वाली 100 हस्तियों की सूची जारी की गई। तो इस संबंध में कौन सा कथन सही है? ए है, इस सूची में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को 76वां व सलमान खान को 82वां स्थान मिला है। इस सूची में अमेरिकी मुक्केबाज फ्लॉयड मेवेदर 28.5 करोड़ की कमाई के साथ प्रथम स्थान पर हैं। या फिर सी, अक्षय कुमार ने इस वर्ष 4.05 तथा सलमान खान ने 3.77 करोड़ की कमाई की, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें से ये सारे ही सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस देश द्वारा 17 जुलाई 2018 को अरुणाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर मानव रहित स्वचालित मौसम अवलोकन केंद्र की स्थापना की गई? तो अरुणाचल, जिस देश से सीमा लगती है अरुणाचल की, वो है चाइना। तो इसका आंसर भी यहाँ पे चाइना ही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर मानव रहित स्वचालित मौसम अवलोकन केंद्र की स्थापना की गई है और ये चीन ने की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्वेश्चन नंबर 96 है, किस देश द्वारा 18 जुलाई 2018 को 2 वर्ष पहले लगाए गए आपातकाल को समाप्त किया गया है? तो ये एक समाप्त किया है टर्की ने। ठीक है, 2 साल पहले यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई थी और अब इसको समाप्त कर दिया गया है। तो वो देश है टर्की और इसकी कैपिटल है अंकारा। ठीक है, टर्की की कैपिटल अंकारा। क्वेश्चन नंबर 97, संपूर्ण विश्व में 18 जुलाई 2018 को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था? तो इसका सही आंसर है वर्ष 2014। 2014 में यूएन महासभा ने 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। और एक कहाँ से बिलोंग करते थे, आई मीन किस कंट्री से बिलोंग करते थे नेल्सन मंडेला जी? तो ये करते थे दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। 98 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा ने 19 जुलाई 2018 को भ्रष्टाचार निवारण
संशोधन विधेयक 2013 ध्वनि मत से पारित किया। सेकंड है, इस विधेयक के जरिए भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 1988 में संशोधन किया गया है। और थर्ड है, इस विधेयक के अनुसार लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले केंद्र के मामले में लोकपाल और राज्यों के मामले में लोकायुक्त से अनुमति लेनी होगी। तो बताना है कि इनमें से, इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है, फर्स्ट और सेकंड कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 99। कौन सा देश 19 जुलाई 2018 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 68वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो फ्रेंड्स, आईएसए के 68वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है म्यांमार। और म्यांमार की राजधानी क्या है? बर्मा। और करेंसी क्या है? क्यात। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सुप्रसिद्ध गीतकार एवं जाने माने कवि गोपाल दास नीरज का 19 जुलाई 2018 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स 2007 में। इनकी एक फेमस कविता है जो आप सबने सुनी होगी शायद, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, मत मेरी मंजिल आसान करो। काफी पसंद आती है, जब भी कभी थोड़ा सा परेशान होते हैं तो सुन लेनी चाहिए इनकी वो कविता, बहुत अच्छा लगता है सुनने के बाद। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट थे, आई होप कि आपको पसंद आएंगे, और काफी इम्पोर्टेंट है इसलिए आपके एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ ही सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।